देखो कहानी और इसमें आने वाली समस्या आगे काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब आपने ऐसा कुछ देखा है कि मैंने कभी चमत्कार नहीं देखे? चमत्कार आप कैसे देखोगे? हाँ। चमत्कार देखने के लिए भाई झलना पड़ता है। पिछली वीडियो में आपने इन नगाड़ा वादक जी को नगाड़ा बजाते हुए देखा होगा। इनके नगाड़े की धुन पे ही पिछली वीडियो थिरक रही थी। तो मैं इनसे मिला कैसे? मैं पुष्कर के घाटों पर टहल रहा था और मेरे कानों में इनके नगाड़े की धुन आ रही थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था टहलने में। तो घूमते 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 जब मैं जोधपुर घाट पर पहुँचा, तब मुझे ये वहाँ पर दिखाई दिए। ये हैं पंडित कैलाश जी सोलंकी। हर सुबह की तरह आज भी आकर वे अपनी साधना अपने अभ्यास में मग्न थे और मैं आके उन्हें देखने लगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये नगाड़ा बजता हुआ देख करके, और मैं ठहरा कैमरामैन तो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे देख लिया था लेकिन उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। मैंने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया 7-8 मिनट, उसके बाद मैंने वीडियो सेव कर ली। उसके बाद मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा। इस पीढ़ी के हम युवाओं में अब उतना पेशेंस तो है ही नहीं, तो कर दी मैंने बदतमीजी, उन्हें टोकने की कोशिश करी ताकि मैं अपने से कुछ सवाल निकलवा सकूं, लेकिन उन्होंने आंखों से इशारा कर दिया था तो मैं चुप रहा। करीब आधे घंटे उनकी साधना चली और उसके बाद उन्होंने मुझसे बातचीत की। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि इस नगाड़े की धुन में मुझे क्या खास मिल गया, तो मुझे नहीं लगता काफ़ी सारे लोग आगे तक देखेंगे। तो आपको बता देते हैं, जिन पंडित कैलाश जी सोलंकी से मैं अभी मिला, उनके दादाजी थे रामकिशन जी सोलंकी और वो भारत के सबसे महान नगाड़ा वादक थे। क्यों? क्योंकि सोलंकी जी के परिवार में नगाड़ा वादन की ये कला पिछली 13 पीढ़ियों से चली आ रही है। पहले ये मंदिरों में और शादी ब्याह के समय बजाया जाता था या फिर युद्ध में आह्वान करते समय। पंडित रामकिशन जी सोलंकी ने इसे शास्त्रीय रूप देकर के इसे विश्व स्तर तक पहुंचा। पंडित रामकिशन सोलंकी जी नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है और साथ ही में उन्होंने जाकिर हुसैन जी के साथ में नगाड़ा वादन भी किया है। तो अब थोड़ी देर पंडित कैलाश जी सोलंकी का संगीत सुन लेते हैं, फिर आगे बात करें। मेरा नाम कैलाश सोलंकी है। बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं आप, तो इसको क्या कहते हैं यंत्र? इसको नगाड़ा बोलते हैं। ये नगाड़ा है, ये नगाड़े। आप पुष्कर के ही हैं? प्रॉपर पुष्कर। तो आपने संगीत कैसे सीखा, मतलब कैसे आप इस तरफ बढ़े? ये मेरे दादाजी से सीखा। अच्छा। मेरे दादाजी राष्ट्रपति से सम्मानित। अच्छा। उनको 1992 में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। वो जैसे नगाड़ा एक जैसे मंदिर में बसता है, भगवान के मंदिर में बसता है। ये सबसे पुराना वाद्य है, बहुत पुराना वाद्य है। तो मेरे दादाजी ने इसमें धिरगिट धिरगिट के बोल निकाले। अच्छा। तब उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित। अच्छा, उन्होंने खोज करी थी? खोज करी थी। अरे वाह। 1992 में उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था, शंकर दयाल शर्मा थे उसके। उसने नहीं कहा, विद्या है, साधना है,
तो जब आप ये नगाड़ा बजाते हैं, म्यूजिक संगीत परफॉर्म करते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब आप बजा रहे होते हैं? बहुत आनंद, खुशी होती है, आनंद मिलता है, बस खुशी मिलती है। बचपन से पहले दादाजी के साथ छोटा था, तो उन बचपन से उनके साथ ही रहा, ये उनके साथ उनसे सीखा। पुष्कर आया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये जगह काफ़ी शांत सी है और एक ठहराव सा है, मतलब यहाँ। हाँ, तो यही पूछना था, अभी तक आपने जितना जीवन जिया, तो आपका नज़रिया क्या है जीवन के बारे में? आप अगर मान लो कोई 16 या 18 साल का इंसान आपको सुन रहा है, तो आप उससे जीवन के बारे में क्या कहना चाहोगे? संगीत सीखना चाहिए, संगीत तो एक साधना है, बढ़िया सिख विद्या है, अपना कर्म करते रहो, ताकि उसके राज भगवान क्या ये देने वाला। अपन कर्म कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपना ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, फिर बजाते हैं ऐसे। ये आप जो पैटर्न बनाते हैं, जो जैसे कि थोड़ी देर इधर बजाए, थोड़ी देर, वो किस हिसाब से सोचते हो आप? वो ताल होती है। हाँ, वो ताल कैसे जैसे होती? एक अपने तीन ताल, हाँ, 16 मात्रा स्टार्ट कर दी, तो फिर जैसे धा दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तित दिन दिन ना, ये हो गई तीन ताल। अच्छा, अब इसमें वेरिएशन करते हैं, जैसे धा तिट धा तिट धा धा तिट धागे धीना गिना धा तिट धा तिट धा धा तिट धागे दिन धा धा तिट धागे दीना, जैसे तीन तीन ताल बजा ली अपन, शुरू कर दी, तो फिर उसके बाद में उसमें कायदे अलग अलग गत है। सही, ये है। तो फिर वही जो ताल है, इसको नगाड़े के माध्यम से नगाड़े में जैसे तबला तबले में होती है, जैसे हाँ, इसमें ताले होती है। अच्छा, ठीक, ताले इसमें। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले इस कहानी को समझने के लिए हम पंडित जी के परिवार के ढांचे को समझ लेते हैं। ये हैं पंडित कैलाश जी सोलंकी। इनके पिता हैं चंपालाल जी, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं। चंपालाल जी तीन भाई हैं, जिनमें पंडित गोडू जी नगाड़ा वादन करते हैं, और इन तीनों भाइयों के पिता हैं पंडित राम किशन जी सोलंकी। नगाड़े के जादूगर पंडित राम किशन जी ने अपने छोटे भाई पंडित नाथूलाल जी को नगाड़े की विद्या सिखाई। पंडित नाथूलाल जी ने भी विदेशों में जाकर नगाड़ा वादन किया और भारत का गौरव बढ़ाया। भारत में इन्हें मास्टर ड्रमर के नाम से जाना जाता है। और इनके पुत्र हैं पंडित नरेंद्र सिंह जी। अब इसमें समस्या कहाँ आती है, उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले शाम को पंडित कैलाश जी ने मुझे बुलाया था, तो मैं उनकी नगाड़े की धुन सुन के आता हूँ। अब इसमें समस्या कहाँ है, समझाता हूँ। हम सब में से काफ़ी सारे लोगों को गेम खेलना पसंद होगा, फॉर एग्जाम्पल पबजी ले लेते हैं। अब किसी गेम को खेलने में मज़ा तब आता है जब हमें उसकी एडवांस लेवल की टेक्निक्स आती हैं, और साथ ही साथ देखने वालों को भी मज़ा तब आता है जब वो एडवांस लेवल की टेक्निक्स देख पा रहे हों कि कैसे गेम में क्या हो रहा है। बस इतनी ही सिंपल सी बात है कि हमारे देश में जो काफ़ी सारी कलाएँ हैं, जो हमारी धरोहर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गहराई है, काफ़ी एडवांस लेवल की टेक्निक्स हैं, जिन्हें जानने वाला, चाहे वो देखने वाला हो या दिखाने वाला, एक अलग लेवल का आनंद महसूस करते हैं, एंटरटेनमेंट महसूस करते हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारी ज़िंदगी हो गई है व्यस्त, तो हमें चाहिए फास्ट एंटरटेनमेंट, जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े और हम मज़े कर सकें। ऐसे में हमें क्या लगता है काफ़ी सारी कलाओं को देख करके कि ये तो बोरिंग है, हमें ये नहीं देखना है, पर वो बोरिंग नहीं है, अंतर इतना सा है कि हम उसे समझ नहीं पाए। मैं यहाँ फास्ट एंटरटेनमेंट को बेकार नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि हमें उतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से एक तरह की आर्ट की डिमांड घटती है, और जब उसकी डिमांड घटती है तो उस आर्टिस्ट की अर्निंग ख़त्म होने लगती है, और जब किसी आर्टिस्ट की अर्निंग ख़त्म होने लगती है तो बाकी लोग वो आर्ट नहीं सीखना चाहते।
क्योंकि उसमें कोई अर्निंग नहीं है, और ऐसे में आगे आने वाली पीढ़ी तक वो कला विलुप्त हो जाती है और हम सोने की खोज में हीरा खो देते हैं। अब बिना उस कला को समझे हम उस स्तर का आनंद तो महसूस नहीं कर सकते हैं, पर मेरे पास एक किस्सा है जिसे सुनने के बाद एक पल के लिए आप उस आनंद को महसूस कर पाएंगे, और उसके लिए हम हमारे दोस्त जो कि संगीत सीख रहे हैं उनको फोन लगाएंगे। तुझे याद है एक बार तू मेरे को बता रहा था कि वो तानसेन जी जो थे उन्होंने वो कोई राग गाई थी वो गर्मी वाली, तो जैसे कि राग दीपक है और मियां मल्हार है, तो जो मियां मल्हार है ना हाँ। वो बंदिश पेंटिश में जो लास्ट में गरज गरज है ना हाँ। वो उसी राग में। अच्छा, तो उसको अगर कोई उस्ताद आदमी गाया जिसके मतलब जो काफी ज्यादा सीखा हुआ हो, काफी ज्यादा वो हो, सुन रहा है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो वो उस राग से बारिश आ जाती। अच्छा, और राग दीपक है जिससे क्या है कि गर्मी पड़ जाती है, वो बात होती है। तानसेन जी संगीत के बहुत बड़े उस्ताद थे। अकबर के, आप अकबर के रत्न सुने? अकबर के रत्न, नौ रत्न अकबर के, हाँ। उनमें से एक आते थे ये। अच्छा, हाँ। तो इनको काफी ज्यादा दर्जा मिलने लग गया था क्योंकि अकबर के बहुत फेवरेट हो गए थे। अच्छा, तो बाकी संगीतज्ञ क्या उनसे चिढ़ने लग गए, तो उन्होंने तानसेन जी को कहे कि मतलब खत्म करने के लिए या फिर उनका गला खत्म करने के लिए एक रणनीति रची। तानसेन से कि मतलब उसकी मतलब अकबर से कहा उनका एक चलने वाला था। तानसेन जी के आगे पंडित लगेगा ना? हाँ, पंडित तानसेन जी। हाँ, मतलब मियां तानसेन कहते थे भाई इनसे। तो अच्छा, तो या तो उस्ताद लगेगा या पंडित लगेगा, लेकिन उसके बिना तो नहीं बोल सकते नाम। नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इन्होंने क्या करा कि उनको मतलब मरवाने के लिए, गला खराब करने के लिए अकबर से कहा कि एक राग होती है अकबर जी, राग दीपक। अच्छा, जो पूरे जगत में वो ऐसे उसकी खासियत है कि वो जब वो गाई जाती है तो ऐसे ऐसे उसका वो होता है इफेक्ट कि गर्मी बढ़ जाती है, और उसको ना पूरे वर्ल्ड में तानसेन जी, मियां तानसेन जी के अलावा कोई नहीं गा सकता। अच्छा, ठीक है। तो अकबर यार चौंक गया यार, करे मेरे को सुननी है। तो फिर तो उसने तानसेन जी को बुलाया कि यार ऐसी सी बात है, सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि सर इसका मैं सुना तो दूंगा, नहीं इसका प्रभाव बहुत गलत होगा। तो अकबर ने जिद करी, नहीं सुनानी पड़ेगी, फिर सुनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है सुना देता हूँ। तो उन्होंने फिर सुनाने जब बैठे, तो जब वो पीक पॉइंट पे आया उसको सुनाने के, अच्छा, तो आस पास इतनी तेज गर्मी पड़ गई जितने दरबारी थे ना, दरबार में जितने लोग बैठे थे सब जलने लग गए, मतलब इतनी तेज गर्मी पड़ी। तो वो जलने लग गए, तो वो सब भाग गए, वहां जितनी ऑडियंस थी सब भाग गई जलने लगी। और अकबर तानसेन जी भी खुद जलने लग गए, मतलब गाते गाते। तो फिर उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था सरस्वती। अच्छा, वाह। तो उसने फिर क्या है कि उसको बचाने के लिए एक राग होती मियां मल्हार, जो तानसेन जी द्वारा इन्वेंटेड है। अच्छा, उस राग को गा के, और उससे क्या है कि वो गर्मी जो थी ना उसको समाप्त करा, क्योंकि वो बारिश की राग थी। ओ भाई साहब, ये था। आशा है आप समझे कि मैं किस उच्च स्तर की बात कर रहा था। 100 अलग अलग कुंडों में ऊपर ऊपर डुबकी लगाने से बेहतर है कि किसी एक कुंड के अंदर भीतर गहराई तक जाया जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, नगाड़ा वादन को शास्त्रीय रूप पहली बार किसी जनरेशन ने अगर दिया तो वो था पंडित रामकिशन जी की पीढ़ी ने। और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, उनके जो 3 बेटे थे उनमें से 2 सरकारी नौकरी में चले गए। आप वजह समझ पाए क्यों? और उनके पोते कैलाश जी अभी नगाड़ा वादन कर रहे हैं। तो अगर अब इस कला को विलुप्त होने से बचाना है तो हमें इसे बचाने के प्रयास करने होंगे। हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई NFT का जानकार है तो इनकी NFT बनाने में मदद कर सकता है। शार्क टेक इंडिया पर एक आइडिया प्रस्तुत हुआ था जिसमें बोटल्स के ऊपर चित्रकारी की गई थी, अब और उन बोटल्स के बिकने पर फ़ायदा चित्रकारों को पहुंचता था। मैं कैलाश जी की प्रोफाइल का लिंक और कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप डायरेक्टली भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं काम के लिए। अब मैंने सुना है एक स्कूल भी खोलना चाहते हैं, म्यूजिक स्कूल, सोलंकी स्कूल। कितना सच है और क्या सपना है ये? बहुत बड़ा सपना है कि अभी तक अपने राजस्थान में कहीं भी नगाड़ी का स्कूल नहीं है। ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। एक हमारा परिवार है जिसने इस नगाड़े को मंदिर से निकाल कर क्लासिकल तक पहुँचाया। जाकिर हुसैन तक हमारे गुरुजी ने बजाते बजाते अपने प्राण त्याग दिए। जबकि नगाड़ा और सनाई एक मंदिर वाद्यंत्र है, या शुभ कार्य के लिए शादी विवाह में बजता है, वो भी गेट के बाहर, घर के बाहर, उसको भी अंदर प्रवेश नहीं देते। हमने इसी वाद्यंत्र को धीरे धीरे अच्छी जगह फेस्टिवलों में जाना करना, लोगों की पहचान बनाना, फिर हमने इसको
फ्यूजन से कन्फ्यूजन में डाला। फिर हम थोड़ा आ गए क्यों मंदिर से तो हम देश विदेश घूम नहीं पाते। और आज भी मैं एक पुष्कर में एक स्थान है गणगौर घाट जहाँ अभी भी रोज मैं 2 रुपये रोज के हिसाब से डेरी बजाता हूँ। वहाँ के एक गुरु जी थे डबल डू जी महाराज और राधेश्याम जी, उन्होंने कहा आपके पास कोई काम नहीं है तो मैं आपको 2 रुपये रोज दूंगा, आप मेरे यहाँ बजाइए। और अभी भी वो कहते वैसे बढ़ाऊ, मैंने कहा नहीं, वही 2 रुपये रोज ले रहा हूँ और अभी वही गणगौर घाट पर रोज डेली बजा रहा हूँ।